हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला कुछ इस टाइप का जो ट्रेनिंग वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहता तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों पहले आपको क्या करना, कॉपीराइट की वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा मोट कर दिया। आपको भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जा रहा है वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलर्ट मोशन ओपन करना है। एलर्ट मोशन ओपन करने के बाद आपको आ जाना है प्रोजेक्ट में। ओके दोस्तों, प्रोजेक्ट में आने के बाद ऊपर में देख रहे हो सैग इफेक्ट ऑफ विंडमार्क प्रोजेक्ट, ये दो प्रेसेट आपको मिल जाएगा। सिंपली मेरे वेबसाइट पर आपको इनपुट कर लेना है। पर्सनली कैसे इनपुट लेना है पता तो ऑलरेडी वॉल टॉपिक पर मेरे डिस्क्रिप्शन में है एक वीडियो, आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी देख सकती हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, सॉन्ग्स विंडमार्क इस तरह आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ आपको जो फॉन्ट वगैरह है आपको यहाँ पर एडिट ग्रुप कर लेना है। एडिट ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करना और एडिट टेक्स्ट पर जाकर आपको यहाँ पर सिंजल ब्लैक, जो आपको जो भी फोन अच्छा लगे वो फोन यहाँ यूज कर सकते हो अपने मर्जी से। ओके, और आपको इस वाला फोन चाहिए तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना। ओके तो दोस्तों, इतना करने के बाद आप बैग आ जाना और आपको आगे चले जाना। यहाँ से आपको फोटो एड करना है, यहाँ से जो देख रहे हो यहाँ से लास्ट तक आपको फोटो एड करना है। तो कैसे एड करना है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है ऊपर, इस वाला विंडमार्क पर आ जाना, 4.24 तक आपको आ जाना है, और प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है, और अभी जो फोटो इनपुट करते अभी से यहाँ से आपको फोटो एड करना है। तो यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, कौन सा फोल्डर में आपका फोटो है तो आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो इस तरह फोटो सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो पर क्लिक करना है, इस तरह फिल लाइन पर आ जाना है, फिल कंप्रेशन लगा करके नेक्स्ट करके कट कर लेना। ओके, फिर से प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना, और जो फोटो आपको अच्छा लगे वही फोटो आपको क्लिक करना है, फिल लाइन पर आ जाना, फिल कंप्रेशन लगा करके नेक्स्ट करके जो डबल बिट मार आगे आपको कट कर लेना। फिर से प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है, इसी तरह आपको एक एक करके फोटो जो होगा आपको ऐड करते जाना है। ओके, इस तरह आपको लास्ट तक फोटो जितना है फोटो लेगा सारे फोटो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके, तो आगे क्या करना है सब कुछ बताता हूँ। ओके, फोटो पहले ऐड कर लेते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने देखो सारे फोटो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ जो डबल बिन बार देख रहे हो यहाँ पर आपको आगे चले जाना है। ओके, यहाँ से देखो देखो यहाँ पर डबल बिन देख रहे हो, आपको डबल बिन मार आगे जो फोटो होगा आपको दो नंबर इफेक्ट लगेगा, और आपको सिंगल बिन मार जो देखेगा आपको एक नंबर इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है। देखो यहाँ पर आपको एक नंबर यहाँ पर एक नंबर लगेगा, यहाँ पर एक नंबर लगेगा, तो यहाँ डबल बिन मार है आपको यहाँ पर दो नंबर इफेक्ट लगेगा। ओके, फिर से आपको एक नंबर लगेगा, यहाँ पर फिर से दो नंबर लगेगा, फिर से एक नंबर लगेगा, फिर से एक नंबर लगेगा, यहाँ पर एक नंबर इतना ही लगेगा, फिर से आपको डबल बिन देख रहे हो आपको डबल डबल दो नंबर इफेक्ट आपको यहाँ पर ऐड होगा। ओके, तो आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा देखने के लिए। ओके, इस तरह आपको थ्री नंबर इफेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको तीन नंबर इफेक्ट ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, आपको बैग जाना है, बैग आने के बाद आपको विंडमार्क प्रोजर ओपन करके जो पहला वाला इफेक्ट है जो सिंगल विंडमार्क देख रहे हो यहाँ पर सिंगल विंडमार्क, तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना आपको कॉपी इफेक्ट करना। ओके, कॉपी इफेक्ट करने में बैग जाना और आपको विंडमार्क प्रोजर ओपन कर लेना है। ओके तो दोस्तों यहाँ से आपको आगे चले जाना है, यहाँ देखो आपको पहले वाला फोटो है तो यहाँ सिंगल विंडमार्क है, सिंगल विंडमार्क आपको इस तरह पहले वाला इफेक्ट को कट इफेक्ट पेस्ट करना। ओके, तो फिर से आपको डबल बिट मार, ये वाला डबल बिट मार है तो आपको छोड़ देना है, तो अगले फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में अगर आपको पेस्ट करना। ओके, फिर से आपको क्या करना, आगे चले जाना, यहाँ भी आपको सिंगल बिट मार है तो यहाँ पर आपको इस वाला इफेक्ट को पेस्ट करना। ओके, फिर से आपको डबल बिट मार ये वाला छोड़ देना है, फिर से आपको सिंगल बिट मार जो मिलेगा आपको इफेक्ट को पेस्ट करना। ओके, फिर से आपको डबल बिट मार है, फिर से आपको देख लेना आगे चले जाना, तो यहाँ से आपको सिंगल बिट मार है तो यहाँ फोटो को पेस्ट करना। ओके, इफेक्ट को पेस्ट करना इसी तरह। ओके, आपको अच्छे से देख लेना, पहले आपको सिंगल बिटमार्क देख देख कर आपको इस वाला इफेक्ट को आपको पेस्ट कर लेना। ओके, तो चलो सारे फोटो पर हम पेस्ट कर लेते हैं पहले। ओके, हाँ डबल बिटमार्क हम छोड़ देंगे। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने लास्ट फोटो तक आपको ऐड कर लिया, फिर से आपको बैग जाना, और आपको क्या करना है सेग इफेक्ट ओपन करके दो जो डबल बिटमार्क है यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको कॉपी इफेक्ट करना। ओके, यहाँ जो आपको जो भी आपको डबल बिटमार्क दिखेगा, दो दो आपको बिटमार्क दिखेगा, वहीं पर आपको इफेक्ट को पेस्ट करना। ओके, फिर से आपको आगे चले जाना है, आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर डबल बिट मार देख रहे हो, डबल बिट मार आगे जो फोटो होगा
आपको दोनों मार इफेक्ट को पेस्ट करना ओके। फिर से आपको आगे चले जाना, यहाँ डबल बीड मार्क आगे जो फोटो होगा इस तरह फोटो में क्लिक करना है, फिर में अगर आपको पेस्ट करना, फिर से आपको आगे चले जाना है, इस तरह देख लेना है कहाँ पर डबल बीड मार है ओके। इस तरह आपको आगे चले जाना है ओके, यहाँ पर फोटो पर है, तो इसी तरह से आपको देख देख कर अच्छे से आपको जितना डबल बीड मार फोटो मिलेगा सारे डबल बीड मार फोटो पर आपको इस तरह दोनों मार इफेक्ट को पेस्ट कर लेना ओके। ओके तो दोस्तों इस तरह आपको डबल बीड मार ऐड करने वाला बैग जाना, और आपको एक ही इफेक्ट मिलेगा आपको 3 नंबर जो आपको लास्ट में मिल जाएगा, सॉरी आपको बैग जाना ओके। तो यहाँ पर 3 नंबर इफेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और आपको कॉपी इफेक्ट करना है, और आपको बैग जाना और आपको बीड मार प्रोजेक्ट ओपन कर लेना और आपको नीचे आ जाना है ओके। यहाँ पर आपको देख लेना कहाँ पर आपको 3 नंबर इफेक्ट है ओके, इस तरह थोड़ा हम करेंगे ओके। यहाँ पर देखो 3 नंबर इफेक्ट यहाँ पर लगेगा ओके, तो यहाँ पर 28 सेकंड पर आपको जो 3 नंबर इफेक्ट लेगा, यहाँ पर फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, पेस्ट करना, बस इतना ही काम है। आपको सीसी इफेक्ट चाहिए तो बैग जाना और आपको सैग इफेक्ट ओपन करके नीचे दिए गए सीसी इफेक्ट आपको ऐड करना है, इस तरह आपको कॉपी करना है। कॉपी 4 लेयर करने के बाद आपको बैग जाना है और आपको सॉन्ग बीडमार ओपन करके ओके यहाँ आपको पेस्ट करना ओके। उसका लेंथ आपको लास्ट तक नहीं लगेगा तो आपको लगा लेना है ओके। तो इस वाला सॉन्ग्स को आपको सॉरी उसका लेयर को आपको लास्ट तक बढ़ा लेना ओके। देखो यहाँ पर सीसी इफेक्ट लग गया ओके। आपको सीसी इफेक्ट नहीं चाहिए तो यही वाला आपको ऑफ कर सकते हो ओके, और मुझे चाहिए तो मेरा ऑन कर रहा हूँ ओके। इस तरह आपको जो भी अच्छा लगे वही आपको यहाँ पर काम करना ओके। तो यहाँ पर जाना है और वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना है ओके। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।